हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बना रहे हैं अंडे आलू, एकदम नई रेसिपी है। और अगर आपको अंडे आलू अच्छे नहीं लगते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में आपको बेहद अच्छे लगेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अंडे आलू बनाने के लिए ना सबसे मेन चीज़ जो होती है वो प्याज का ध्यान रखना होता है। प्याज इसमें ज्यादा नहीं डालने होते हैं वरना ये मीठे हो जाते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 9 अंडे लिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिया। 9 अंडों के हिसाब से 5 मीडियम साइज के आलू, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया, काट लिया, छिलका उतार कर अंडों के साथ इसको बॉईल कर लेंगे। अंडे उबल गए हैं, इसका छिलका उतार दिया है। अच्छा, इसका और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट करने के लिए क्या करना है, इसको ऊपर की स्कीन पे फॉर्क या नाइफ की हेल्प से हल्के हल्के कट लगा लो और बाद में ना इसमें नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करो। हल्के से अच्छे हाथ हल्के हाथ से इस पे आराम से लगा दो और बाद में बस इसे फ्राई कर लो। तो करना क्या है, यहाँ हमने नमक मिर्च नहीं लगाया है, सीधा बस इसको उबाला, छिलका उतारा और इसको तल ले रहे हैं। तो याद रखें, फ्राई करेंगे ना जब इसका कलर एकदम ब्राउन हो जाएगा, एकदम ऐसे 3 अंडों का कलर आप देखो एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो ये 3 अंडे फ्राई हो गए, हमने इसको अलग निकाल लिया। बाकी के अंडों में अभी थोड़ी कमी है, इसको पूरा हो जाने के बाद ही निकालेंगे। तो बस अब ये याद रखना है, अंडों में जो बचा हुआ ऑयल है तो इसी ऑयल में हमें अंडे बनाने हैं। तो इस ऑयल में करना ये है, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा डाल देना है। और प्याज जो बताया था मैंने, जितना कम होगा, ऐसा होता है उबले हुए आलू उसको तोड़ते हैं जब, तो उससे ग्रेवी काफी अच्छी बन जाती है। शोरबा अगर कर रहे हैं तो गाढ़ापन उससे हो जाता है, लेकिन प्याज ज्यादा नहीं डालनी है। तो यहाँ एक मीडियम साइज की प्याज ली थी और 4-5 लहसुन की कलियां, प्याज के साथ ही इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया था। बाद में करना ये, प्याज और लहसुन को के पेस्ट को इसमें डाल देना है और उसके बाद थोड़ा पानी ऐड करना है। और बाद में जो है ना, कुछ ड्राई स्पाइसेस जो हमने लिए हैं, तो यहाँ हल्दी भी ज्यादा यूज नहीं करनी है। तो हमने यहाँ 9 अंडे हैं और 4 मीडियम साइज के आलू, उसके हिसाब से यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्च नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है, वो सब ऐड कर दिया है यहाँ। अब करना ये है, मसाले को एकदम बढ़िया से भून लेना है और आलू जो है बहुत छोटे नहीं करने हैं, आलू थोड़े बिल्कुल एकदम भरता बना देना है, छोटा छोटा तोड़ देना है जिससे कि शोरबे में गाढ़ापन आएगा। और बाकी थोड़े आलू बड़े रखने हैं, मतलब एक आलू के 3 पीस या 4 पीस कर रहे हैं। उसके बाद करना यह है, आलू में ही पानी मिला देंगे। इससे क्या होगा ना, पता चल जाएगा कि हमें कितने आलू और तोड़ने हैं या कितने नहीं। अगर लगता है कि ये एकदम परफेक्ट है तो फिर बस पानी मिलाकर पता चल जाता है आसानी से। अब ये देखें, ऑयल अलग छोड़ दिया है मसाले ने, तब यहाँ क्या करेंगे, अंडे डाल देंगे। अच्छा, ये चीज बेहद जरूरी होती है यहाँ अंडे बनाते टाइम, कि जब मसाला अच्छे से भून जाए तब अंडे उसके साथ डाल दो और उसी के साथ हरी मिर्च डाल दो। तो हरी मिर्च यहाँ आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हो। और मिर्च अगर बाद में डालते हैं ना तो वो अजीब सी हरियान, मतलब मिर्च का टेस्ट चेंज हो जाता है। बट जब यहाँ मसाला भून रहा है, अंडे साथ में भून रहे हैं, तब यहाँ मिर्च डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज का ख्याल रखना है, मिर्च ना अभी डालनी है, बाद में नहीं डालनी है। तो मसाला भूनते हुए मिर्च डाल दी है और उसी के साथ में देखें अंडों का कलर कितना बढ़िया हो गया है। तो मसाला एकदम बढ़िया से परफेक्ट भुन गया है। तो यहाँ जो हमने आलू बनाकर रखा था ना पानी डालकर, वो सारे आलू पानी के साथ यहाँ डाल देंगे। अब अगर यहाँ लगता है कि अभी पानी की नीड है इसे और भी, तो यहाँ पानी आप बढ़ा दें अपने हिसाब से और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बाद में इसमें ज्यादा उबाल नहीं लगाने हैं। अक्सर ऐसा होता है आलू शोरबे के या अंडे आलू बना रहे हैं तो उसको ज्यादा पकाने से जो ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है। तो खत्म नहीं हो जाता, मतलब हल्का सा दिखता है, बाकी तरी नहीं आती ऊपर बढ़िया सी। तो यहाँ देख सकते हैं 3-4 उबाल लगाए और थोड़ी देर, मतलब 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया इसको। बाद में फ्लेम एकदम लो पे रख दिया जिससे कि ऑयल ऊपर आ जाए और उसके बाद बस इसे गार्निश कर दो फ्रेश कटे हुए हरे धनिया से। एकदम बनकर ये खाने के लिए गर्मा गर्म तैयार हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक बार ट्राई जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलना,
चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।